जब भी किसी पेशेंट को कोविड डायग्नोसिस होता है तो वो एक 9 या 10 दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन भेज देते हैं मुझे कि सर मैंने ये शुरू कर दिया है और क्या ये ठीक है दवाइयाँ। किसने लिखी? बोले नहीं, एक डॉक्टर साहब ने बताई थी, कुछ मेरे नेबर, कुछ मेरी मदर, कुछ मेरे। तो ये इंडियन नेचर हम लोग का है कि हम लोग को ज़्यादा दवाई पसंद है, ज़्यादा दवाई लेना चाहते हैं क्योंकि हमें कुछ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है उससे। तो उन दवाइयों में सप्लीमेंट्स भी सब आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आपको बहुत स्पेसिफिक सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता हो। अगर आप चाहें तो एक मल्टीविटामिन ले लें जिसमें पर्याप्त, जिसमें जिंक भी थोड़ा हो, तो एक मल्टीविटामिन विद जिंक हो जाएगा। और एक विटामिन डी की गोली ले लें, चाहे तो 1000 से 2000 यूनिट डेली या 60,000 यूनिट महीने में एक बार, सिर्फ इतना ही आप कर सकते हैं। तो आप एक मल्टीविटामिन विच इंक्लूड जिंक एंड साथ में एक विटामिन डी, स्मॉल डोज, स्मॉल डोज। लोग बहुत ज्यादा डोज विटामिन डी का ले रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो लेंगे तो ये ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को बना के रखेगा। तो विटामिन डी ज्यादा लेने से कोई हार्म है? विटामिन डी की डोज जो हम लोग रेकमेंड करते हैं इंडियंस के लिए, वो रफली 2000 यूनिट डेली होती है। अक्सर जो हमें मिलती है कैप्सूल, वो 60,000 यूनिट की होती हैं, तो 60,000 यूनिट महीने में एक बार लेंगे तो वो सफिशियंट होता है। तो उससे हमारा विटामिन डी सही आ जाए। जो लोग हर महीने, एक अब कल फोन आया किसी का कि मुझे बताया कि रोज 5 दिन तक सुबह शाम 60,000 यूनिट लीजिए। तो ये सब सब एनेक्डोटल है और ये गलत है। हमने पिछले साल इस पे भी उन्हीं 400 पेशेंट्स में स्टडी किया था कि क्या विटामिन डी लेवल से हमारी कोविड के आउटकम पे कुछ इम्पैक्ट होता है। सपोजिंग आप और मैं हैं, आपका डी लेवल कम है, मेरा ज्यादा है, क्या मैं बेटर निकलूंगा कोविड से? तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला हमें। इफ यू आर बिल्डिंग योर इम्यूनिटी ओवरऑल, देन यू नीड टू हैव एडिक्वेट विटामिन डी। सो इट इज पॉसिबल दैट इफ यू आर डेफिशियंट इन विटामिन डी, देन यू मे बी एट ग्रेटर रिस्क। एक बात पर आपका हो गया और आप सोचे कि मैं विटामिन डी बहुत सारा खा लूं और ठीक हो जाऊंगा, तो वो गलत है। कोविड होने के बाद विटामिन डी की मात्रा बहुत बढ़ा देने से या करने से कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। इम्यूनिटी किसी की एक दिन में नहीं बनती है, वो वीक्स टू मंथ्स का प्रोसेस होती है। तो थोड़ा थोड़ा विटामिन डी लेते रहे, बस इतना काफी है। इंडिया इज द बेस्ट लैब फॉर डूइंग विटामिन डी स्टडीज, क्योंकि यहाँ पे इतनी विटामिन डेफिशिएंसी है। तो लेकिन इसको बहुत गंभीरता से नहीं देखा गया है। हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी मैंने आपको बताया जो अभी मार्च में पब्लिश हुई है, पिछले साल जो हमने करी थी, कि विटामिन डी लेवल लो होने से कोई इतना नुकसान नहीं हुआ किसी का हॉस्पिटलाइजेशन में कि उनकी आउटकम्स खराब हो गए हों। लेकिन क्या जिनका लो विटामिन डी है उनको इन्फेक्शन के रिस्क ज्यादा है, इस पे फाइनल आंसर नहीं है। कुछ स्टडीज हैं जो ऐसा सजेस्ट करती हैं। इससे इसके शोध तो होता रहेगा। अपने आप के बचाव के लिए मैं ये बोलूंगा, अपना विटामिन डी नॉर्मल रेंज में मेंटेन करिए। जरूरत से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेंज माने 2000 यूनिट पर डे विटामिन डी लीजिए, क्योंकि अब तो आप अक्सर इंडोर हैं तो आपका थोड़ा बहुत जो सन एक्सपोजर था वो भी कम हो गया है। तो 2000 पर डे और इक्विवेलेंट। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी यूट्यूब पेज माय famhealth पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।